कार्ड ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन पा रहा? नहीं बन पा रहा है, कोई प्रज्ञा केंद्र में नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नहीं बन पा रहा है सर, आप जानकारी ले लीजिए तो। जो हकीकत वो बता रहे हैं कि नहीं बन पा रहा है। ये फादर दिलीप, सर आज जो ये बैठक हो रही है विद्यालय संबंधी, तो इसमें क्या कार्य लेकर बैठक किया जा रहा है सर? तो प्रखंड स्तरीय स्टीयरिंग सर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रखंड कार्यालय में सभी सदस्यों के द्वारा बैठक की गई। उस बैठक में सभी विश्वविद्यालय में प्रखंड मवाडन अंतर्गत सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन से संबंधित मेनू अनुरूप चलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, और उस कमेटी के अंतर्गत सभी विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक के द्वारा पहले मध्याह्न भोजन का उसका स्वाद लिया जाएगा, उसके बाद ही बच्चों को उस अनुरूप है कि नहीं है उसके बाद ही बच्चों को मध्याह्न भोजन किया जाता है। ये हमारा रूटीन वर्क है और रूटीन अनुसार सभी लोग सभी शिक्षक इसमें अपना तत्परता पूर्वक काम करते हैं, और इस कमेटी में हम लोग देखते हैं कि हमारा सभी प्रखंड अंतर्गत सभी विद्यालय में ढंग से ये लागू मेनू अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं होता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, ये जो महुआ में आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, किसी का नहीं बन पा रहा है फिलहाल? सर आज जो विद्यालय संबंधी आप बैठक कर रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अतिथि से, तो इस बैठक में सर विद्यालय में जो कमी है और मध्याह्न भोजन संबंधी जो बैठक किया गया है, इस संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे प्रखंड में 100 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन चल रहा है, और जो मध्याह्न भोजन चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए प्रखंड स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है, उसी की आज बैठक हो रही है कि विद्यालयों में किस तरह से मध्याह्न भोजन चल रहा है, वहाँ पर मेनू के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो बच्चों को मात्रा मिलनी चाहिए वो मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ खाद्यान्न की क्या स्थिति है और राशि की भी क्या स्थिति है, पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में 2 दिन जो है वह फल या अंडा दिया जाता है, वह भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखने के। सर सुनने में आता है इस विद्यालय में कि आवंटन के अभाव में मध्याह्न भोजन बंद होने के कगार में है, शिक्षक जो भी हैं वहाँ उससे संबंधित वो बोलते हैं कि हम लोग को अभी मध्याह्न भोजन का पैसा राशि नहीं मिल रहा है और हम लोग चलाने में असमर्थ जता रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहिएगा सर? ऐसा है कि ये राशि सीधे जिला से सरस्वती वाणी माता समिति के खाते में जाती है, और जो विद्यालय से हमें प्राप्त होता है प्रतिवेदन कि राशि कमी है, वहाँ पर हम लोग प्रतिवेदन देकर उच्च अधिकारी से राशि उपलब्ध कराते हैं, और राशि उपलब्ध हो करके भी मध्याह्न भोजन चल रहा है, और यह भी हम कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मध्याह्न भोजन बंद नहीं हो, इसके लिए आपको चावल तो चावल राशि भी हम दे रहे हैं, सरकार विभाग दे रही है, और नियमित रूप से आप चला।